बदलते लाइफस्टाइल में डिप्रेशन की बीमारी अब आम हो रही है। महानगर से निकलकर यह छोटे शहरों और गांव तक पहुंच रही है। इसके शिकार न सिर्फ युवा और बुजुर्ग बल्कि स्कूल जाने वाले स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि डिप्रेशन सिर्फ बीमारी नहीं है और ना ही दिमागी फितूर। यह एक ऐसी मानसिक हालत है जिसमें पॉजिटिव सोचने और बेहतर रिजल्ट तक पहुंचने की इंसान की कैपेसिटी कम हो जाती है। उलझे सवाल, निराश करने वाले जवाब और अपने आप पर विश्वास खो देना, ऐसी कंडीशन किसी इंसान को उस मोड़ पर ले जाती है जहां उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है, जिससे नतीजे बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। इतने ख़तरनाक कि लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। क्यों होता है लोगों को डिप्रेशन? तो डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह चिंता और तनाव है, और जिसकी अलग अलग वजह हो सकती है, जैसे कि अपने चाहने वालों से बिछड़ना, जैसे कि ब्रेकअप होना, तलाक होना या किसी अपने की अचानक मौत होना, नौकरी से निकाल देना या पैसे जायदाद का नुकसान होना, रिटायरमेंट के बाद खुद को बेकार समझना, किसी कड़े मुकाबले में हार जाना, बहुत मेहनत करने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक नतीजा ना मिलना, कर्ज बढ़ जाना और उसे चुकाने का जरिया ना होना, भविष्य के प्रति चिंता होना, जैसे घर, शादी और बच्चों के लिए होती है, किसी बड़ी बीमारी या मौत का खौफ होना, ये सभी वजह आम हैं। और इन सभी पर डिटेल में जानकारी और उनका सलूशन देने के लिए हर एक कैटेगरी की केस स्टडी के साथ एपिसोड होगा, जिससे आपको आसानी हो डिप्रेशन से बाहर निकलने में। क्योंकि डॉक्टर के अनुसार इसका इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं हो सकता, इससे उबरने के लिए परिवार, दोस्त और अपनों के साथ भी दरकार होती है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसी मानसिक हालत अचानक नहीं होती, लंबे वक्त में लाइफस्टाइल, रिश्ते, इमोशन के साथ जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और सारे सपने टूट जाते हैं, तब मानसिक संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे डिप्रेशन का शिकार होना लाजमी है। और सबसे खतरे वाली बात यह है, बहुत लोगों को ये बात का एहसास भी नहीं होता है कि वो लोग डिप्रेशन में हैं। तो इसी मुश्किल को आसान करने के लिए और डिप्रेशन से बाहर कैसे आएं, ये सब जानने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।